देख आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ब्रॉडसाइड क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है अपन से क्या कह रहे हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ब्रॉडसाइड क्वेश्चन का। ये ब्रॉडसाइड क्वेश्चन होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं है। एक्सियल क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सियल क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता था, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते थे इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सिस थी उसके ही अमाउंट, मतलब उसको अपन एक्सटेंड कर देते थे और एक पॉइंट को अपन सपोज करते थे उसी पे अपने फाइंड आउट करा था। इस वाले डेरिवेशन में भी अपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे, लेकिन जो ब्रॉडसाइड क्वेश्चन है इसमें जो पहले वाली वीडियो में था पी पॉइंट यहाँ पे था जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, इस वाले में वो ब्रॉडसाइड क्वेश्चन मतलब पी जो रहेगा ब्रॉडसाइड पे रहेगा, मतलब जो एसी एक्सिस में जो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने ये पढ़ने वाले हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं समझा दूंगा कि कैसे अपन को करना है पूरे डेरिवेशन अपनी खुद की लैंग्वेज में, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको टर्मोलॉजी से मतलब स्टेटमेंट लिखना है पूरे डेरिवेशन में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं डायग्राम, पहले डायग्राम समझते हैं। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो जो ये डेरिवेशन है वो बड़े आसानी से आप कर पाओगे। तो अपन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपन को पहले वाले की तरह एक इलेक्ट्रिक डायपोल को सपोज करना है। ठीक है, ए बी मान के चलो क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसके पास ए के पास अपना पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और बी के पास अपना पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो है अपनी 2L और पहली वाली की तरह यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट है O, O से A का डिस्टेंस हो गया अपना स्मॉल ऑफ L। ठीक है, और O से B का डिस्टेंस हो गया स्मॉल ऑफ L, मतलब L प्लस L 2L टोटल लेंथ, ये अपना इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पहले अपन ने क्या करा था इस एक्सिस को एक्सटेंड करा था, उसके अपन ने पी पॉइंट को फाइंड आउट करा था। यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस इलेक्ट्रिक डायपोल में और वहां पे एक पॉइंट को सपोज करेंगे पी। इसी पॉइंट पर अपन को क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो रहेगी अपनी ई वन, E1 और ऊपर अपन लगा दिया वेक्टर। माइनस क्यू चार्ज के कारण जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो रहेगी अपनी E2 और उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो रहेगा P से B की तरफ, जो रहेगी E2। ठीक है, यहां तक के आगे समझ में, अपन ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया ए बी जिसके पास अपने अपने पॉइंट चार्ज थे प्लस क्यू माइनस क्यू, इफेक्टिव लेंथ बनाई मिड पॉइंट बनाया, उसके बाद अपन ने P point, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जिस पर अपन ने P point को कंसीडर करा। इस P point पे प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही वो है E1 और इसी P point पे जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो है E2। यहाँ तक हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पे एक एंगल बनाएगी थीटा, यहाँ पे भी एक एंगल बनाएगी थीटा। ठीक है, जब अपन इस E1 को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये क्या है अपना E1, तो यहाँ पे क्या होता है ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड होती है ये इस थीटा एंगल के कारण, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा। ठीक है, और इस थीटा के कारण यहाँ पे एक एंगल बनेगा वो भी क्या उसकी वैल्यू करेंगे थीटा। ठीक है, अब जब आपको पता है कि जब ये टू कंपोनेंट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट में डिवाइड होगी तो जहां एंगल बनता है वहां पे कोस लगता है और जहां एंगल नहीं बनता है वहां पे साइन लगता है। तो इस वाले कंपोनेंट का क्या नाम होगा, E1 वेक्टर कोस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट का क्या नाम होगा E1 वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, अब E2 भी है, E2 भी अपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड होगा, तो E2 यहाँ पे जहाँ एंगल नहीं बन रहा है तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू रहेगी वो होगी E2 वेक्टर साइन थीटा और यहाँ पे रहेगी E2 वेक्टर कोस थीटा। अब जो ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया इसमें अच्छे से इतने पार्ट को यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अपनी E2, ये क्या है E1। ठीक है,
और जो एंगल बन रहा है वो है थीटा थीटा, और ये हो गया अपना ए1 वेक्टर कोस थीटा, ए2 वेक्टर कोस थीटा, और यहाँ पे था अपना ए2 वेक्टर साइन थीटा, और यहाँ पे है ए1 वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो जो ये इतना पार्ट है वो है अपना ये कंजेस्टेड हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बना के लिखा दिया। आप भी बना के लिखा लोगे तो ऐसे मार्क्स नहीं काटेंगे, बल्कि एक अच्छा इंटरेस्ट पड़ेगा जो भी आपकी वो भी चेक करेगा। तो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम अपना हो गया कंप्लीट, अपन डायग्राम को लेके अपन अपने डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में अपन को एक तो फॉर्मूला है जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला देता था वो देता था अपना, एक फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/4πε0k की ओपन ऑफ आर स्क्वायर। बस इसको ध्यान रखना है, और सिंपल मैथमेटिक्स जैसे अपन सोल्व करते हैं वैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ अब प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है ई1, वो क्या होगी, ई1 वेक्टर इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला है 1/4πε0k। अब किस चार्ज के कारण बन रही है, वहां पे क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, तो यहां पे किस चार्ज के कारण बन रही है, प्लस क्यू चार्ज के कारण। यहां पे इसलिए लिखेंगे प्लस क्यू अपॉन ऑफ, वहां पे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्टेंस को, तो यहां पे जो पी पॉइंट से ए का डिस्टेंस वो कितना है, पी अपन अभी लिख देते हैं या एपी एपी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस पी के साइड है, इसलिए अपन जब भी यहां पे डायरेक्शन लिखेंगे मतलब जो डिस्टेंस लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, एपी वहां पे आर का स्क्वायर था इसलिए यहां पे भी एपी का स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज लिख दी गई हेलो डायरेक्शन लिखना है एपी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो है अपनी E2, उसको यहां पे लिखेंगे E2 वेक्टर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1/4πε0k माइनस क्यू अपॉन ऑफ, अब यहां पे डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट से बी का, तो पी बी डायरेक्शन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बी के तरफ है इसलिए वहां पे क्या लिखेंगे पी बी का स्क्वायर, और यहां पे लिख देंगे डायरेक्शन उसका अलोन पी से बी की तरफ। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इस पी पॉइंट पे अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एक रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंस अब देखिए सिंस एपी इज इक्वल टू बीपी, जो एपी है उसकी लेंथ बीपी के बराबर है, और देयरफॉर मोड ऑफ, अब एपी पे क्या बन रही है ई1, देयरफॉर मोड ऑफ ई1 इज इक्वल टू मोड ऑफ ई2। ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो मैं बता देता हूं, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई1 वेक्टर ई1 ये है, ठीक है ई1 वेक्टर कोस थीटा प्लस ऑफ ई2 वेक्टर कोस थीटा। ठीक है, बस इसको अपन को आगे सॉल्व करना है, थोड़ा सा यहां पे मैं समझा देता हूं। इसी को अपन को आगे सॉल्व करना है, क्या है अब ये मोड हटेगा तो वेक्टर क्वांटिटी है उसका जो ये एरो का साइन वो हट जाएगा, तो यहां पे अपन लिखेंगे नहीं अभी नहीं ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, इस कंडीशन को याद रखिएगा, सिंस ई1 मोड ऑफ ई1 वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ई2 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई1 वेक्टर का मोड कोस थीटा, क्यों, क्योंकि मोड ऑफ ई1 इज इक्वल टू मोड ऑफ ई2 है, इसलिए ई1 इज इक्वल टू
यहाँ पे लिख देना आप रीजन दे दीजिएगा, सिंस मोड ऑफ ई1 वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ई2 वेक्टर, देयरफॉर अगर ई2 को ई1 लिख सकते हैं, ई1 को ई2 लिख सकते हैं, तो कोई एक क्वांटिटी को आप पकड़ लीजिएगा उसको यहाँ पे लिखने लिख देना है, और आगे से जब मोड हटेगा तो ये वेक्टर का साइन ऊपर से हट जाएगा, टू ई1 कोस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब यहाँ पे अभी अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है, मेरा ई1 ई1 की वैल्यू पर लिख देते हैं, जो अपन ने फाइंड आउट करी थी दिस वैल्यू उसको वहां पे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू टू ई1 की वैल्यू क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। और अब देखिए जब मोड हटा तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो हट जाएगा, ठीक है, तो क्यू अपॉन ऑफ एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा, ठीक है, इसको इक्वेशन टू में दीजिए, इसको इक्वेशन दीजिए, इतना हो गया। अब यहाँ पे अननोन क्वांटिटी कौन सी है, कोस थीटा। अब इस कोस थीटा की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, तो वो कहाँ से फाइंड आउट होगी, कहीं अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज अपन को डायग्राम में मिलेगी, ठीक है। अब डायग्राम में कितने पार्ट को अपन को देखना है, इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी ए, ओ ए पी, ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब इस ट्राइंगल में अपन पहले कौन सा रूल लगाएंगे, पाइथागोरस का रूल, तो उससे अपन को इवन की वैल्यू मिल जाएगी, इवन की वैल्यू जैसे मिलेगी तो अपन को कोस थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी, कैसे देखते हैं। तो अपन को पाइथागोरस का रूल पता है, क्या लगती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर, यहां पे हाइपोटेनस क्या है, एपी, तो एपी की जगह क्या है, इवन, इवन का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, ये डिस्टेंस, हां इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, मतलब ये जो ये डिस्टेंस है वो कितना था, स्मॉल ऑफ आर था, मैं बनाना भूल गया था, स्मॉल ऑफ आर डिस्टेंस है ये, ठीक है, तो ओ से पी जो है वो स्मॉल ऑफ आर डिस्टेंस पे, जैसे पिछले वाले डायग्राम में मैंने देखा था जो एक्सियल पोजीशन पे पी पॉइंट था वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे था, उसी प्रकार से यहाँ पे जो पी पॉइंट है वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल ऑफ आर डिस्टेंस पे है, तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई, ये परपेंडिकुलर ही एक तरीके से, तो ओ पी की वैल्यू क्या है, स्मॉल ऑफ आर, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर है स्मॉल ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पहले देखा था 12, यहाँ पे एल थी, ठीक है, तो बेस की हो गई OA, OA बेस है, तो इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल ऑफ एल, यहाँ पे स्मॉल ऑफ एल का स्क्वायर, ठीक है, इसको हटाएंगे वहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ई1 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो जाएगी, ई1 इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ऑफ स्मॉल एल का स्क्वायर, ठीक है, एक इस ई1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी ट्रायंगल में अपन कोस थीटा लगाएंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला पता है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस क्या है, स्मॉल ऑफ एल, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ऑफ एल, हाइपोटेनस क्या है, इवन, और इवन की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल का स्क्वायर, तो कोस थीटा की वैल्यू भी पता चल गई अपन को, उसको अपन उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ कोस थीटा इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में अपन उसको पुट कर देंगे, तो क्या होगा अपना, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू इंटू क्यू अपॉन ऑफ एपी का स्क्वायर, और फिर क्या कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू अपन को पता चल गई स्मॉल एल अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस ऑफ स्मॉल एल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एपी क्या है, डिस्टेंस, एपी क्या थी, ए से पी की डिस्टेंस क्या थी, अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी एपी की डिस्टेंस, कहाँ गया एपी, यहाँ पे क्या था एपी, एपी की वैल्यू क्या है, इवन, इवन अपन ने फाइंड आउट करी थी, ये इवन, तो इस इवन यही क्या है अपना एपी, एपी, तो इस एपी की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट स्मॉल ऑफ एल का स्क्वायर, उसको यहां पे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
2q अपॉन a, अब ab की वैल्यू पुट करेंगे क्या है r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर, लेकिन वो क्या है अंडर रूट। अब यहां पे क्या है ab का स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट का स्क्वायर होगा, तो वो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए अपन सिंपल क्या लिखते हैं r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था स्क्वायर से ये क्या हो गया अंडर रूट कैंसिल हो गया वो बाहर गया, अब ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसको लिख देंगे l अपॉन अंडर रूट प्लस ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये पूरी वैल्यू मीटिंग सामने 2 q l और स्मॉल ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर, अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो स्मॉल ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर, अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो 1 बाय 2, ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हम यहां पर करते हैं सॉल्व, स्मॉल ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, अब 2ql याद करो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर मैं लिखेंगे 2ql की जगह p अपॉन ऑफ, अब बेस में है पावर क्या होगी एड होगी, इसकी पावर कितनी है अगर कुछ नहीं तो क्या होती है 1, बेस सेम पावर 8, 1 प्लस 1 बाय 2 कितना होता है 3 बाय 2, तो यहां पे जाएगा r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर की पावर 3 बाय 2, आगे में समझ में, और जो ये p लिखा है इसकी रीजन लिख दीजिए सिंस p इज इक्वल टू 2 q l इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p। अब देखिए जो पहले अपन ने कंडीशन लगाई थी क्या लगाई थी कि जो l डिस्टेंस है वो r से छोटा है, ठीक है, तो जो l का स्क्वायर है वो r के स्क्वायर से कितना कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए अपन l के स्क्वायर को क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहां पे सिंपल क्या बचेगा फिर r स्क्वायर की पावर 3 / 2, रीजन ये है सिंस l इज वेरी 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 लेस देन स्मॉल ऑफ r, ठीक है। अब देखिए पावर 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon root k p upon of r cube और e की क्या electric field intensity की unit करेंगे न्यूटन पर कूलम, एयर में और वैक्यूम में जो k की वैल्यू है वो क्या देती है 1 देती है क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1, तो एयर या वैक्यूम में जो k की वैल्यू है वो आएगी 1, तो आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो इन इन एयर और वैक्यूम के इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन के की वैल्यू भी 1 पी अपॉन आर क्यूब, जब हमारा डेरिवेशन खत्म न्यूटन पर कूलम। हां कभी भी जो चीज अपन फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी यूनिट लिखना मत भूलिएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को फाइंड आउट हो गई है ब्रॉडसाइड क्वेश्चन पे, ये पूरा अपना डेरिवेशन खत्म हो गया है, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखना है जो अपन ने सपोज करा ऐसे वैसे की वैसे अपन को लिखते आना है, कुछ अलग से नहीं करना है, मैं फिर भी हिट कर देता हूँ थोड़ा सा, सबसे पहले क्या लिखना है लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड टू एल विद इफेक्टिव लेंथ वेयर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, let consider a point p on the perpendicular bisector of this electric dipole which is at a small r distance from midpoint of electric dipole o, ठीक है, where we want to find out the electric field intensity, ये तो एक पूरा अपना स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद अपने क्या कर दिया इतना लिखने के बाद देखो जब ये लिख रहा है तो इससे पहले अपन क्या बोलेंगे the electric field intensity due to plus q charge at p point is even vector, तो ये लिख देना, और जब ये वाली लाइन लिखना है तो क्या लिखोगे due to minus q charge electric field intensity will be due at p point, तो ये वाली लाइन लिख देना, फिर ये रीजन दे दिया था आपने उसको सॉल्व करा और इस ये जब ये लिखोगे तो ये लिख दिया रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये अपन ऐसे सिंपल सिंपल लिख के ये अपन ने पूरा कर दिया था, ठीक है।